है कि सभी के लिए इक्विटी हो और सभी के लिए एक्सेस हो। तो स्पेशल एजुकेशन के एंगल से, पर्सपेक्टिव से कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये डिस्कशन का विषय है मेरी समझ से। आई ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक मिस्टर पीके पांडे एंड मैडम सीमा सिंह हु हैव कनेक्टेड विद अस एंड हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। देर इज अ लॉट टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी होप दैट द पार्टिसिपेंट्स सो फार 144 इन नंबर एंड ग्रोइंग विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजमणि पाल सुनीता मैम, मेरी आवाज जी पहुंच रही है क्या आप तक? मैडम रमेश जी, रमेश सर, मैम, रमेश सर मैं प्लीज बस मैम सॉरी, एक्चुअली कुछ कनेक्शन की वजह से ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। मैं, इफ यू परमिट, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। दिस बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम इज सर, वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र जयवंत मैम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा ये कन्वर्जेंस और कोलाब्रेशन पे बहुत फोकस किया है। और अभी ये कन्वर्जेंस और कोलाब्रेशन ही है जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे पर हमारी सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट की इस विषय को प्रेस करते हुए उन्होंने बहुत सराहना की, हमारे राष्ट्रीय संस्थान की भी, हमारे सीआरसी की भी और हमारे यूनिक कोलाबरेटिव इनिशिएटिव्स की भी। सबसे पहले मैं मैडम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं सीआरसी की तरफ से स्वागत करता हूँ प्रोफेसर सीमा सिंह मैम का, ऑनरेबल वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मैडम, आज से लगभग 1.5 दशक पहले बीएचयू में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो मेरे लाइफ का पहला प्रेजेंटेशन था, पहला फॉर्मल प्रेजेंटेशन बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पे और एक्सेसिबिलिटी पे, मैडम आप उस सेशन की चेयरपर्सन थी, फर्स्ट फ्लोर पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की उस बिल्डिंग में। और मेरे प्रेजेंटेशन के बाद वाइस चांसलर मैम, आपने बहुत प्रेज किया मेरे उस प्रेजेंटेशन को, और वो 1.5 दशक के बाद आज आपके साथ, आपको होस्ट करने का, आपके साथ कोलाबरेट करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपके डायनेमिक लीडरशिप के बारे में, आपके हजारों स्टूडेंट्स, आपकी जो भी रचनाएं रही हैं, आपका जो स्पेशल एजुकेशन, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन और जनरल एजुकेशन के साथ उसका क्लबिंग, उसका उसको अलाइन करके, उसको एलाइड बना के कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को फोस्टर किया जा सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, और ये जो पूरा का पूरा एक एक ट्रांजिशन फेज रहा फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन, आपका जो उसमें कंट्रीब्यूशन है मैम, वो असाधारण है, अविश्वसनीय रहा है। मैं मैम आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अपने विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान, हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, हमारे सीआरसी के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ, हमारे पार्टनर्स, बेनिफिशियरीज, हमारे पेरेंट्स, सबके तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैम, अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर भूषण पुनानी जी, आपका भी सर बहुत मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आपका कंट्रीब्यूशन स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के सेक्टर में, विजुअल इम्पेयरमेंट के सेक्टर में, और वो चाहे RPWD एक्ट की ड्राफ्टिंग से लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन तक, हमारे इंडिया ने UNCRPD को रेटिफाई किया, हर जगह आपका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सर। आप हमारे मंत्रालय के अलग अलग हाई लेवल कमिटीज के मेंबर रहे हैं, आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्टिव कंट्रीब्यूटर रहे हैं, और आपकी पढ़ी हुई किताबें, लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे सीआरसी के लिए और हमारे राष्ट्रीय संस्थान के लिए आपको होस्ट करने के लिए। सर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारे आज के प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोफेसर पीके पांडे सर भी बोल रहे थे, सर आपका भी मैं बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ, हमारे सीआरसी के साथ कोलाबरेट किया,
और ये प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की संयोजक नीता मिश्रा मैम बोल रही हैं। मैडम, आपका भी बहुत सीआरसी की तरफ से स्वागत है। परविंद वर्मा जी, आपका भी, राजमणी पाल जी और हमारे सीआरसी के सभी ऑफिसर्स और कोलाबरेटर्स, कंट्रीब्यूटर्स और कोऑर्डिनेटर्स, शंकर गणेश जी, विकास मिश्रा, सविता जी और नागेश जी, आप सबके प्रति भी आभार। और जितने भी लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, चाहे वो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारी हों, शिक्षकगण हों, उनको और हमारे सीआरसी के अधिकारी और शिक्षकगण हों, उनको सबको इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत अच्छा विषय है कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन के रेफरेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ब्रॉड और बहुत फ्यूचरिस्टिक है, और ये बहुत अच्छा विषय इसलिए भी है कि हम पार्ट में जो हमें, जो हम जिस टारगेट ग्रुप को जो बताना चाहते हैं, उस विषय पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब UNCRPD हम लोगों ने रेटिफाई किया, उसके बाद हम दुनिया का सबसे हॉलिस्टिक एक्ट एज फार एज डिसेबिलिटीज आर कंसर्न RPWD एक्ट लेकर आए। और मैम, मैं जितने भी लोगों से मिला हो, चाहे हमारे देश के एक्सपर्ट हो या विदेश के भी एक्सपर्ट हो, मैं टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई, एंड सी वॉज प्रेजिंग अ लॉट कि हमारे भारत सरकार को, कि उन्होंने इतना हॉलिस्टिक एक्ट लेकर आए हैं, RPWD एक्ट। और एकमात्र ऐसा एक्ट जिसमें 21 डिसेबिलिटीज तो ही हैं, और उसमें फर्दर अगर कोई डिसऑर्डर इस लेवल पे पहुंचता है कि हमें उसको एज ए डिसेबिलिटी कंसीडर करना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई समस्या इस लेवल पे परिभाषित करने की जरूरत है कि वो डिसेबिलिटी में इंक्लूड की जाए, तो वो भी ओपन है हमारा एक्ट। इसलिए दुनिया में इसकी बहुत सराहना होती है। और फिर उसके बाद फिर से हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ही हमारे लिए SDG लेकर आया, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो SDG 4, जो SDG का गोल नंबर 4 है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। तो इससे भी आगे बढ़ के जब हम अब नेशनल पॉलिसी लेकर आए हैं, उसका हमारे दिव्यांगजनों के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो एस्पिरेंट्स हैं क्लासरूम जाने के लिए, या उनको अलग अलग तरीके से चॉइस बेस्ड एजुकेशन की बात है की गई है, वेदर दे वांट टू चूज इंक्लूसिव एजुकेशन, वेदर दे वांट टू चूज स्पेशल एजुकेशन, इट इज अप टू देम। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, पुरानी सर इसको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, कि रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और फोस्टर करना जो यूनिक कैपेबिलिटीज है, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक लाइफलाइन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि आप एक बच्चे की कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करें, पहचाने और उसको उन्नति दे, उसको मोटिवेट करें, उसको फोस्टर करें, जिससे वो बच्चा अपने जो उसका एप्टीट्यूड बेस्ड लर्निंग है, जो उसका एप्टीट्यूड है, जो उसका इंक्लाइनेशन है, वो वहाँ पहुँच पाए। और उसके लिए चाहे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी में सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, या जो हमारा एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन के अलग अलग प्रविधियाँ हैं, चाहे वो सीवियर डिसेबिलिटीज के लिए हो, गंभीर दिव्यांगताओं के लिए हो, जिनको घर पर ट्रेनिंग देने की बात की जाती है, उस सब को मिला के एक ऐसा समावेश बना है, वो चाहे स्पेशल एजुकेशन जोन गठित करने की बात हो, जिसमें सिर्फ डिसेबिलिटी ही नहीं, दूसरे डिसएडवांटेज सेक्शन भी आते हैं। तो कुल मिला के ये जो एक्ट है, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, जितना मैंने स्टडी किया है इस एक्ट को, आगे चल के ये हम सबको एक रास्ता दिखाएगा। प्रोफेसर मैम, वाइस चांसलर मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले 17 तारीख को, हमारे मंत्रालय ने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स लॉन्च किए हैं 14 जगहों पर, देश में 14 जगहों पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स लॉन्च किए। उसमें 7 हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और 7 हमारी CRCs हैं, उसमें से CRC लखनऊ भी एक है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मैम, आप जब कभी भी लखनऊ आएँ, आप कृपया CRC लखनऊ एक बार ज़रूर आएँ, और हमें उससे बहुत खुशी मिलेगी। हमारी जो सर्विसेज हम दे पा रहे हैं, उसको और हम फाइन ट्यून कर पाएंगे आपके 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 द्वारा दिए गए सजेशन से।
और जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च हुआ है मैम, उसका एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट रहा है। उसका कनेक्शन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी है और हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी है। WHO ने एक रिपोर्ट दी कि कैसे डिसेबिलिटी डिजीज बर्डन हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को प्रभावित कर रहा है। किसी भी देश में जितना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट होगा, उस देश की इकोनॉमी उतना ज्यादा बर्डन पड़ता है। उसका सीधा लिंक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन से, अर्ली इंटरवेंशन से। हमारी मिनिस्ट्री ने यह माना कि जब हम बच्चे को अर्ली एज में उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्ली एज में नीड बेस्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो उससे बच्चे की जो डिसेबिलिटी की सीवियरिटी है उसको रोक पाने में सिग्निफिकेंटली मदद मिलती है। इसके अलावा अगर ऐसे चांसेस हैं कि बच्चे में सेकेंडरी डिसेबिलिटी कोई डेवलप हो जाए उस प्राइमरी डिसेबिलिटी की वजह से, उस प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से, उसको भी रोक पाने में मदद मिलती है, लॉन्ग टर्म में फैमिली बर्डन कम करने में मदद मिलती है और बच्चे को सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनाने में मदद मिलती है, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है डिसेबिलिटी इकोनॉमिक्स पे, सोशल सिक्योरिटी में। हमारे देश और दुनिया में जो सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने में मदद मिलती है और देश की जो प्रोग्रेस है वो तेजी से होती है। इस इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, अब आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है विकास जी, आवाज आ रही है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही कह रहा था कि जो हमारे देश और दुनिया की इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है उस पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट का सीधा एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उसको कम करने के लिए, और दुनिया में, देश में, अपने प्रदेश में इंक्लूसिविटी इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स लॉन्च किए। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। मैं मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा आप अपने विश्वविद्यालय के साथ और CRC के साथ, हमारे राष्ट्रीय संस्थान के साथ एक प्रोडक्टिव कन्वर्जेंस बनाए रखें। मैम आपके साथ मिलके दिव्यांग जनों के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, हमसे कोलाबरेट करने के लिए आपकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। फिर से आपकी पूरी टीम का मैम स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और अपने राष्ट्रीय संस्थान की निदेशिका स्मिता जयवंत के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी म्यूट है। धन्यवाद रमेश। मैं श्री राजमणि पाल शैक्षणिक परामर्शदाता शिक्षा विद्या शाखा से आग्रह करती हूं कि वे एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर भूषण गुनानी अध्यक्ष वेस्ट एशिया अहमदाबाद गुजरात के जीवन वृत्त एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। राजमणि पाल सर, सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में विशेष शिक्षा के परिपेक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित आवासीय संगोष्ठी की अध्यक्षता हम सबके संरक्षक माननीय प्रोफेसर सीमा सिंह कुलपति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज जो हमारी BEd की शिक्षक भी रही हैं। मैडम हम आपको प्रणाम करते हैं। आज के मुख्य अतिथि यो मुख्य वक्ता कार्यक्रम की संरक्षक श्रीमती स्मिता जयवंत, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांगजन संस्थान नई दिल्ली, श्री रमेश पांडे निदेशक CRC लखनऊ, कार्यक्रम के निदेशक प्रोफेसर PK पांडे प्रभारी निदेशक शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आयोजक मंडल व कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करता हूँ। आज हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज के हमारे आभासीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में
राष्ट्रपति द्वारा दो पदकों से सम्मानित सामाजिक कार्य एवं सामाजिक उत्थान के कार्यों में सदा तत्पर रहने वाले देश एवं विदेशों में अपने कार्यों एवं लेखों से विशेष शिक्षा की पहचान दिलाने वाले सादगी की मिसाल, मिलनसार, सहज हृदय, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर भूषण पुनानी, अध्यक्ष इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट पश्चिम एशिया अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको प्रणाम करता हूँ। आप जैसी शख्सियत का परिचय देना दीपक को रोशनी दिखाने जैसा है। आपके कार्यों को शब्दों की सीमा में बांधना कठिन है, फिर भी आपके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह हम सबको प्रेरणा देता है। आपके द्वारा समाज में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य जो यथा सामाजिक सेवा में सामाजिक उत्थान के लिए आपको दो बार भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा आपको नेशनल लीडरशिप अवार्ड एवं नेशनल एसेसिबल वोटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो हम सबके लिए एवं विशेष शिक्षा जगत के लिए गौरव की बात है। आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ द पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट वेस्ट एशिया। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ द पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट ग्लोबल लेवल पे। आप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप इस संस्था से लगभग 42 वर्षों से जुड़े हैं। आपने इस संस्था को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वर्तमान में यह संस्थान विकलांगता के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च संस्थानों में से एक है। आपके मार्गदर्शन में दृष्टिबाधितों के वोटिंग एसेसिबिलिटी के लिए किए गए कार्यों के लिए आपको राष्ट्रपति द्वारा नेशनल एसेसिबल वोटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने IIM अहमदाबाद से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट LLB PhD गुजरात यूनिवर्सिटी तथा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कोर्स हाईफाई यूनिवर्सिटी इसराइल से किया है। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों के सदस्य के रूप में रहे हैं। आप नेशनल लेजिस्लेशन फॉर इंडिया के ड्राफ्ट के मेंबर रहे हैं। आप RPWD एक्ट 2015 के जनरल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड एसेसिबल इलेक्शन के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहे हैं। आपने विशेष शिक्षा में एवं दृष्टिबाधितों के लिए अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपके द्वारा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आप विशेष शिक्षा के जगत के लिए अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। सर आपका परिचय देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और आशा एवं पूर्ण विश्वास आपका उद्बोधन हम सबके लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। सर आपको प्रणाम करता हूं। सर आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजमणि सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक दिवसीय वेबिनार के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर भूषण पुनानी जी के से आग्रह करती हूं कि सर आप अपने अमूल्य व्याख्यान द्वारा हम सभी का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। डॉक्टर भूषण पुनानी जी। थैंक यू नीता जी। राजमणि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही एलैबोरेट जानकारी दी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी अवार्ड मिलते हैं अवार्ड तो संस्था के लिए होते हैं, कार्य के लिए होते हैं, केवल कोई व्यक्ति को लेने जाना पड़ता है ये आवश्यक है। मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि आप जैसे अपकमिंग प्रोफेशनल से बात करने का अवसर मिलता है, गुफ्तगू करने का अवसर मिलता है। और अहमदाबाद से प्रयागराज तक की जो सफर है 188 लोग जुड़ चुके हैं, उसमें विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं प्रोफेसर सीमा सिंह माननीय कुलपति, यानी प्रोफेसर PK पांडे, श्री रमेश पांडे, राजमणि जी यानी नीता जी और सभी वक्ता, मैं आपको वंदन करता हूँ। रमेश पांडे जी जब बता रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई। रमेश जी आपने सभी पहलू, वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हो, राइट टू एजुकेशन हो, आपने बाखूबी कवर किया है। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपके विचार बिल्कुल सही दिशा में, सही समय के बिल्कुल उचित विचार है। मैं उन्हीं विचारों को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। एक्चुअली हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है वो तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो खासियत क्या है, विशेष क्या है, मैं थोड़ा कुछ आपको संबोधन करना चाहूंगा। सॉरी,
I'm just trying to share. Let's see if I can stop sharing. Give me 1 minute. Yeah. Yes. हमारी जो ये पॉलिसी है उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है कि यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स. मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्र ने ये रिकग्नाइज किया है कि हम सभी लर्नर की बात कर रहे हैं. उनका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड क्या है उससे संबंध नहीं है. हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसको शिक्षा चाहिए वो शिक्षा मिलनी चाहिए. इसमें दिव्यांग जन का भी समावेश होता है और बाखूबी इसके थीम में ही ये बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट किया गया है. ये पॉलिसी सभी के लिए है, इसमें किसी को वंचित नहीं रखा गया है. इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे. और हमारा जो शिक्षा का फोकस है वो जो ऐसे व्यक्ति जो मार्जिनल हैं, जो समाज से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिनको किसी प्रकार का डिसएडवांटेज है, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और उसमें दिव्यांग जन बच्चे आ जाते हैं, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी बच्चों को, उन सभी विद्यार्थियों को जो किसी कारण से समाज की मुख्य धारा से बाहर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सके, उन सभी को एक सुरक्षित, सम्मिलित और बहुत एक असरकारक लर्निंग एनवायरनमेंट. आप ध्यान से देखिए कि हम लोग, आप सब स्क्रीन देख रहे हैं ना, लर्निंग एनवायरनमेंट पर फोकस किया गया है और उन सभी बच्चे की जो डिसएडवांटेज है, जिनको शिक्षा मिलने का शायद अवसर नहीं मिलता था, ये पॉलिसी उन सभी पर फोकस करती है. अब उन सबको कवर करना चाहती है और ये पॉलिसी चाहती है कि इस शिक्षा के द्वारा हम लोग आर्थिक, सामाजिक, जो एक क्लास से, एक लेवल से ऊपर जाने की जो मोबिलिटी है, जो एक सम्मिलित विकास है और एक समानता है, ये पॉलिसी हर एक विद्यार्थी को एक समानता का अवसर देना चाहती है, एक एक सम्मिलित समाज का विकास करना चाहती है और व्यक्ति अपने समाज में आगे बढ़ सके, ये चाहती है कि इसका आउटकम हो. इनफैक्ट जो ये इनिशिएटिव है, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही एक सराहनीय इनिशिएटिव है. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कीजिए या UNCRPD की बात कीजिए अथवा पहले की कोई घोषणा पत्र की बात कीजिए, उन सभी का निचोड़ लेकर इस पॉलिसी को किया गया. और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो चैप्टर 6 है, जो सेक्शन 6 है, इसमें एक पूरा एक हिस्सा दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया है और उसको समझना, एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा, पॉलिसीज, कानून तो पहले भी आते थे, पॉलिसी बन जाती थी, नीतियां बन जाती थी, लेकिन अमल में नहीं आती थी. और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार की नीति अभी से अमल में आ रही है. अभी से सरकार चाह रही है कि इस नीति को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए. आप टीवी पर, रेडियो पर सुनते होंगे कि इसके जितने पहलू हैं, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है या ROPWD एक्ट है, उसको जोड़कर दिव्यांग जनों के लिए इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए कार्य शुरू हो चुका है. लेकिन आप सभी उस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं. और इस नीति का अब मैं एक एक करके फोकस एरिया क्या है वो स्पष्ट करना चाहूँगा. और जो भी आपके कोई प्रश्न हो आप नोट कर सकते हैं, हम लोग समय होगा तो चर्चा करेंगे. वो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि बड़ा फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. जो छोटे बच्चे हैं, जितना जल्दी हम दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे उनका विकास उतना जरूरी होगा. इसलिए उनको कम से कम उम्र में जितना शीघ्र हो उनको आइडेंटिफाई करना, असेस करना, इवैल्यूएट करना और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना ये बहुत आवश्यक है. और जो शिक्षकगण मेरी बात सुन रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, प्रिपेटरी सर्विसेज. शायद आपको ताजुब होगा कि 1978 में IEDC स्कीम आया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उसको IIDS में जोड़ा गया. वो तभी से प्रिपेटरी सर्विसेज का ध्यान दिया गया था, पर मुझे दुख है कि इसको अमल में ज्यादा नहीं लाया गया. अब ये रमेश पांडे जी ने बताया
कि 16 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ हम एक स्टेप आगे जाते हैं। जब तक आप दिव्यांग बच्चे को उसकी शिक्षा के लिए तैयार नहीं करेंगे, उनको उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो असेसमेंट है, उसको जो टोटल कम्युनिकेशन है, मोबिलिटी है, ओरिएंटेशन है, फंक्शनल करिकुलम है, ये सभी प्रायोरिटी लेवल पर नहीं लेके आएंगे तो बच्चे को शिक्षा में कामयाब करना लगभग संभव नहीं है। इसलिए हमारी पॉलिसी ने एक फोकस एरिया लिया है कि हमको जहां तक संभव हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों को, विद्यार्थियों को तैयार किया जाए ताकि वो स्कूल के एनवायरनमेंट को फेस कर सके, वो अपनी कम्युनिकेशन, उनकी लैंग्वेज लिटरेसी, न्यूमरेसी के ज्ञान के द्वारा, जैसे मान लो कि नेत्रहीन बच्चा है तो उसको प्री विल देना जरूरी है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो टोटल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मेंटली चैलेंज है तो फंक्शनल करिकुलम की अति आवश्यकता है। इसलिए ये पॉलिसी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पहली बार अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन पर फोकस कर रही है, और इस फोकस को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई नई योजना की आवश्यकता नहीं है, आपकी थिंकिंग है, आपका विचार है जो ये सब चेंज कर सकता है। आपकी शिक्षा के कार्य में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को इंक्लूड करना इस पॉलिसी का निर्देश है, जो करना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा फोकस आता है, प्रिपरेटरी क्लास बेस, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, और क्लास बेस प्ले बेस जो लर्निंग है उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एबिलिटीज है, उसको बढ़ाना, उसको एनहांस करना, और ताकि जैसे कि नेत्रहीन बच्चा है तो प्री ब्रेल उसकी एक फाउंडेशन है, उसको उसमें शामिल करना आवश्यक है। यदि हियरिंग इम्पेयर्ड है तो टोटल कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है। तो हमने अर्ली चाइल्डहुड की बात की, उसके बाद हम लोग प्रिपरेटरी क्लास पर जा रहे हैं, और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी बच्चे को आप डायरेक्ट स्कूल में लेकर मत जाइए, उसे पहले स्कूल के लिए तैयार कीजिए, क्लास के लिए तैयार कीजिए, स्कूल को तैयार कीजिए, टीचर को तैयार कीजिए। यदि आप वो करेंगे जो पॉलिसी का निर्देश है, तभी हमारा विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा। दूसरे दिव्यांग जो है उनके लिए रीजनेबल अकोमोडेशन जो हमारे कानून में स्वीकार किया गया, थोड़ी देर के बाद मैं इस पर और विस्तार से बात करूंगा, उसको लाना बहुत आवश्यक है। थर्ड जो बहुत ही अहम फोकस एरिया है, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, हम सालों से कहते आए हैं कि जब तक हेल्थ चेकअप को पूरा नहीं किया जाए, जब तक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं किया जाए, शिक्षा की शुरुआत करना ठीक नहीं है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं कि जो हेल्थ इंटरवेंशन से अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कार्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि लो विजन बच्चा है तो उसको लो विजन डिवाइसेस देने से, लो विजन असेसमेंट से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यदि किसी बच्चे को कॉन्ट्रैक्चर्स हैं तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करके उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चा नेत्रहीन है तो उसको उसके स्वास्थ्य को चेकअप करके, यदि उसमें कंजेनिटल कैटरेक्ट है, ऐसे कुछ और रोग हैं जिनको करेक्ट किया जा सकता है, तो उसके हेल्थ इंटरवेंशन के बाद ही, जब तक हम हेल्थ को रूल आउट नहीं कर लें तब तक शिक्षा का शुरुआत करना आवश्यक नहीं है। और मुझे गर्व है कि हमारी पॉलिसी ने इसको स्वीकार किया है, वो लो विजन असेसमेंट हो, वो उसके बच्चे का मेडिकल इंटरवेंशन हो, असिस्टिव डिवाइसेस हो, करेक्टिव सर्जरी हो, मेडिकल थेरेपी इंटरवेंशन हो, इस सभी को हमारी पॉलिसी ने सवाल स्वीकार किया है, जो सराहनीय है। फोर्थ आई डायमेंशन, इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हमारे हरेक गाँव में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर है, आप आंगनबाड़ी बोलिए कि बालवाड़ी बोलिए, जो महिला और विकास, बाल विकास के मंत्रालय में आते हैं, विभाग में आते हैं, और ये सभी आंगनबाड़ी शायद किसी विद्यार्थी का प्रथम संपर्क है। जो भी कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 6 साल से कम उम्र का है, सबसे पहले आंगनबाड़ी के संपर्क में आता है। यदि आंगनबाड़ी वर्कर को इसमें जोड़ा जाए दिव्यांग बच्चों के लिए, तो काफी उसका प्रोग्रेस हो सकता है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे गुजरात में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि 3 डिस्ट्रिक्ट में आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद जो असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन के नंबर बहुत बड़े बड़े, जब आनंदीबेन, माननीय आनंदीबेन पटेल हमारी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद सब बच्चों को आकर पुरस्कारित किया और उनको प्रोत्साहन दिया, और उससे मालूम पड़ा कि आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देने से, इन्वॉल्व करने से, हम छोटे बच्चों तक अर्ली इंटरवेंशन में, असेसमेंट में, आइडेंटिफिकेशन में काफी सुचारू काम कर सकते हैं। और गर्व होता है कि पॉलिसी ने इस बात को स्वीकार किया है और इसमें निर्देश दिया है। जैसे आपने देखा कि, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा,
इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आश्रमशाला और स्पेशल स्कूल नहीं चाहिए, उनकी अपनी अहमियत है, उनका अपना एक रिक्वायरमेंट है। ऐसे काफी बच्चे हैं, डेफ ब्लाइंड बच्चा है, मल्टी चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज है अथवा सीवियर डिसेबिलिटीज है, उनको आज भी कुछ हद तक आश्रमशाला स्पेशल स्कूल की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे स्कूल को भी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली असेसमेंट, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को स्वीकार करना पड़ेगा। या आप ये नहीं कह सकते कि केवल इंक्लूजन में होगा, स्पेशल स्कूल को भी जिनकी आवश्यकता है, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे कानून में भी स्पेशल स्कूल को स्वीकार किया गया है। तो हम लोग मल्टी मोड एजुकेशन में गए हैं और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। इसलिए ऐसी आश्रमशाला में भी ऐसे अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और केयर को इंक्लूड किया गया है। और जो पांचवी बात जो बहुत अहम है कि हम लोग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, अभी आप देखिए हम स्टेप्स में जा रहे हैं, पहले अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, फिर प्ले ग्रुप की बात करते हैं, चाइल्ड प्रिपेयर्स की बात करते हैं, अभी हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो तीसरी बदान है। यदि आपने बच्चे को तैयार किया है तो उसको उसकी दिव्यांगता के अनुरूप स्कूल रेडीनेस के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। और मैं सभी शिक्षक को जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मैं आह्वान देना चाहूँगा कि आप इसको आपके कार्य में जोड़िए। ये स्कूल जाने से पहले का प्रोग्राम है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा ताकि बच्चा स्कूल में जाकर जो स्कूल का वातावरण है उसको सुचारू रूप से प्रभावी रूप से फेस कर सके। हम इस स्टेज पर आते हैं, जब स्कूल में बच्चा पहुंच गया है, कुछ बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए, इसका भी प्रावधान हमारी पॉलिसी में, नीति में किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमने बोर्डिंग स्कूल को भी रिकॉग्नाइज किया है कि बोर्डिंग स्कूल भी एक ऐसा माध्यम है कि कुछ दिव्यांगजन के लिए शिक्षा का एक माध्यम हो सकता है। और इस पॉलिसी ने निर्देश दिया है, आह्वान किया है कि हमको मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन सभी आ जाएंगे, तो इस पॉलिसी ने किसी पहलू को छोड़ा नहीं है। जो भी वो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है अथवा स्पेशल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, सभी पाथवेज को सेक्शन 3.5 में मान्यता दी गई है, स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि काफी राज्यों में काफी दिव्यांगजनों को मैथ और साइंस नहीं दिया जाता है, खासकर नेत्रहीनों को इसे वंचित रखा जाता है। अभी हमारी जो पॉलिसी है उसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैथ, उसको पूरे स्कूल करिकुलम के लिए सबके लिए लाया जाएगा। उसमें कोई च्वाइस नहीं है, मैं मैथ में जा रहा हूँ, मैं साइंस में जा रहा हूँ, इस च्वाइस को खत्म किया जाएगा। 10th स्टैंडर्ड तक आपको हर एक करिकुलम में जाना पड़ेगा, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, केवल सब्जेक्ट्स होंगे। इससे दिव्यांगजनों को लाभ ये होगा कि वो भी साइंस और मैथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं। और वो जो साइंस और मैथ है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू न्यू एनवायरनमेंट, अभी सीखना आसान हो गया है, संभव हो गया है, और टेक्नोलॉजी ने सब वातावरण को चेंज कर दिया है, इसको और प्रभावित किया है। तो ये जो नई पॉलिसी में जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन आ रहा है कि आप साइंस, मैथ और ह्यूमैनिटीज को सबको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको च्वाइस मिलेगी, तो इसमें दिव्यांगजन को भी इसमें जाने का अवसर मिलेगा। और जो ये डिसएडवांटेज था काफी राज्यों में, इसको दूर करने की चेष्टा की गई है। एक और पहलू कि इनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और एक बड़ी बात जो पहली बार किसी पॉलिसी में लाया गया है कि गरीब बच्चों के पेरेंट्स को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि कई बार स्कूल को भेज बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, वो डेली लेबर्स हैं, फॉर्म लेबर्स हैं, इसलिए पेरेंट्स को भी इंसेंटिव दिया जाए ताकि बच्चों को स्कूल में भेजें। ये चैप्टर 6.4 में पहली बार स्वीकार किया गया है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रेरित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने पूरे सिस्टम को बदल दिया है। पहले एक जमाने में हम लोग ये मानते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति शिक्षा में कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकता है, और आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा जॉब्स, सबसे अच्छी जॉब कंप्यूटर बेस आ रही हैं, जिसमें दिव्यांगजन जा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम उनका जो एक्सेस टू प्रिंट मटीरियल है अथवा टोटल कम्युनिकेशन, उसको बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी में इसको भी समावेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात है रिसर्च, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए आह्वान किया जाता है कि ऐसी रिसर्च जिससे स्पेशल नीड बच्चों की
कार्य शक्ति बढ़े, उनका शिक्षा में और सुचारू रूप से प्रोग्रेस कर सकें, ऐसा रिसर्च करने का भी पॉलिसी में निर्देश दिया गया है और एक बहुत ही साहसिक कदम लिया गया है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, ऐसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे जहां पर शिक्षा की कठिनाई है, ऐसे में शिक्षा नहीं मिलती है, तो ऐसे जोन में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जा सकता है, एक कलेक्टिव एजुकेशन के लिए प्रयास किया जाएगा। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि बहुत ही कम समय में इस जो स्पेशल जोन का कॉन्सेप्ट है उसको अमल में लाया जाएगा, इससे हमारा मानना है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। और जितनी भी योजनाएं हैं जो उसमें सभी में दिव्यांग बच्चों के साथ साथ खासकर दिव्यांग गर्ल्स को इस पॉलिसी ने 6.7 पैराग्राफ में दिव्यांग गर्ल्स पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारी बेटियां हमारी बच्चियां इस शिक्षा से नहीं जुड़ पाती हैं, तो उन कन्याओं को शिक्षा मिले इसके लिए फोकस किया जाएगा। और इस शिक्षा नीति को दिव्यांग को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक इंक्लूजन फंड बनाएगी जिसमें अलग अलग स्कीम लाई जाएंगी, जैसे IEDS है, समग्र शिक्षा है, उसके समकक्ष एक इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा ताकि इनकी शिक्षा में जो आर्थिक कमी है उसको दूर किया जाए। अभी रमेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो हमारा एक मास्टर एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, मदर एक्ट है, उस एक्ट को मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोई भी पॉलिसी किसी कानून को सही शब्दों में एक्नॉलेज नहीं करती है, क्योंकि पॉलिसी कानून से ऊपर होती है, कानून से अलग होती है, लेकिन कितना गर्व होता है कि चैप्टर 6 में स्पेशल ये उल्लेख किया गया है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं उन सभी को पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता देती है, स्वीकार करती है। उसमें एक्सेस टू प्रिंट मटेरियल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, शिक्षण की डिवाइसेस, शिक्षण के साधन, रीजनेबल अकोमोडेशन, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन की जो 5% है, सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर, ये RCA ने ऑलरेडी कार्यक्रम शुरू किया है, और एक्सेसिबल स्कूल, ये सभी जो पहलू ऑलरेडी हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में है, उन सभी को पॉलिसी ने पैराग्राफ 6.10 में स्वीकार किया है, रिटर्न में स्वीकार किया है, ताकि किसी के माइंड में कोई ऐसा दुविधा ना रहे, कोई ऐसा डाउट ना रहे कि राइट ऑफ पर्सन अलग है, पॉलिसी अलग है, पॉलिसी एक सेतु बनी है शिक्षा और एक्ट के बीच में, इसको स्वीकार किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है 40% अथवा जो बेंचमार्क जैसे 65 डेसिबल 3/60 एक्यूटी ऑफ विजन, ऐसी डिसेबिलिटी को स्पेशल स्कूल अथवा रेगुलर स्कूल चूज करने की फ्रीडम होगी। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी स्वीकार किया गया है कि हमारा देश अभी ये फ्रीडम देता है, लेकिन पुरुषार्थ किया जाएगा, एफर्ट्स किए जाएंगे कि बच्चे स्पेशल स्कूल से तैयार होकर इंक्लूसिव में जाएं, उसका पेडागोजी स्टाइल बदला जाएगा ताकि हर एक बच्चा अल्टीमेटली इंक्लूजन में आए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यदि स्पेशल स्कूल एक बदान बनता है, एक मंजिल बनता है, एक बीच का सेतु बनता है, तो उसको स्वीकार किया गया है। और इस पॉलिसी ने एक स्पेशल रूप से टेक्नोलॉजी टूल्स और असिस्टिव डिवाइसेस को स्वीकार किया है। आप जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में ये डिवाइसेस बच्चों को फ्री मिले, यही कारण है कि स्मिता जी मेरी बात सुन रही होंगी, स्मिता जयवन जी, कि एडिप स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें लगभग सभी बच्चों को समग्र शिक्षा में एडिप स्कीम में बिल्कुल निःशुल्क साधन दिए जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद काफी बड़े कैंप किए हैं वाराणसी में, नवसारी में, राजकोट में, वडोदरा में, कि जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सभी को साधन दिए गए, ताकि असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास उल्लेख किया गया कि ये लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, TLM बनाना चाहिए, और जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं आप बुक शेयर को देखिए, सुगम्य भारत को देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को विद्यार्थियों को सभी एक्सेसिबल मटेरियल मिले और जिससे एक्सेस कर वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सके। पॉलिसी ने इसको स्वीकार किया है और पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को भी हमको जो नए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है उसकी जानकारी देने पड़ेगी कि पेरेंट्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। यदि उनको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, पैराग्राफ 6.12 में स्वीकार किया गया है। और सभी टीचर जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको अभिवादन देना चाहूँगा,
आशीर्वाद देना चाहूँ कि हमारी पॉलिसी ने स्वीकार किया है कि हम हाई क्वालिटी टीचर्स और जो स्पेशल एजुकेशन ग्रुप है उसके लिए टीचर्स को लेना पड़ेगा, और यही कारण है कि जो बीएड स्पेशल कर रहे हैं, जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उनके लिए नौकरी के लिए सेवा के और अवसर मिलेंगे। समग्र शिक्षा है, अथवा काफी राज्यों में इस पॉलिसी के समांतर बीएड स्पेशल को बीएड के समकक्ष मान्यता दी है, ताकि ये शिक्षक भी समान स्कूल पढ़ा सके और बच्चों को, और जो स्कूल स्कूल का कॉम्प्लेक्सेस है वो हर एक बच्चे के लिए, एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, उस स्कूलों को क्लब करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उनमें भी दिव्यांग बच्चों को लेना अनिवार्य है पैराग्राफ 7-5 की ओर से। और जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, वो ट्रांजिशन हो सके, ताकि दिव्यांगजन केवल स्कूली एजिंग के बाद ड्रॉप नहीं हो जाएं, इसके लिए पॉलिसी ने निर्देश दिया है कि हायर एजुकेशन ट्रांजिशन हो सके, वहां तक जा सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्कॉलरशिप देंगी, फ्रीशिप देंगी, विद्यार्थियों को इंसेंटिव देंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी कर रही होगी, खास दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, हजारों की संख्या में दिव्यांग विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, उनको हॉस्टल में, ट्रांसपोर्ट में, मेस में, लाइब्रेरी में, सब जगह में आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। और यूनिवर्सिटीज को हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर बनाने पड़ेंगे, जैसे हम लोग पहले डिसेबिलिटी सपोर्ट ग्रुप सेंटर बताते थे, अब उसको सपोर्ट ग्रुप सेंटर बनाने पड़ेंगे, ताकि उनको वहां पर टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबल मटेरियल और एप्स वगैरह मिल सके और रिसोर्सेज एक्सेस कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी को दायित्व दिया गया है कि वो स्कॉलरशिप भी देंगी, फ्रीशिप भी देंगी, साथ में हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर की रचना करेगी, ताकि हायर एजुकेशन में लोग कोप अप कर सकें। और फिर से पॉलिसी ने आर्थिक जो पहलू उसको भी टच किया है कि सरकार इस शिक्षा के लिए जो एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उसके लिए स्पेशल ईयर मार्क फंड देगी। जैसे आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान में 3,000 रुपए पर विद्यार्थी का एलोकेशन था, ऐसे ही हर एक लेवल पर चार्ज के लिए प्रावधान किया जाएगा, और ऐसे टेक्नोलॉजी टूल डेवलप किए जाएंगे ताकि ऐसे विद्यार्थी अच्छा पार्टिसिपेट कर सके। और सबसे बड़ी बात कि जो एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रवेश दिया जाता है नए सत्र में, नए कोर्स में, उसको भी इंक्लूसिव बनाया जाएगा, उसमें दिव्यांग व्यक्ति आ सके उसका प्रावधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी व्यक्ति को जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि हमको हर एक बिल्डिंग को, ये कानून है, मेरी बात नहीं है, कानून ने निर्देश दिया है राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में, कि हर एक बिल्डिंग को, पब्लिक बिल्डिंग को, पब्लिक बिल्डिंग की बहुत बड़ी परिभाषा है, जहां पर भी लोग जाते हैं वो पब्लिक बिल्डिंग है, उसको बैरियर फ्री बनाना पड़ेगा, व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, और डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, उसके लिए साइडेज देना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल मार्किंग देना पड़ेगा। ये करना पॉलिसी में इसमें समावेश किया गया है, और ये फिर से ये जो फंड एलोकेट किए गए उसको प्रॉपर यूज हो, इसके लिए भी सरकार मॉनिटरिंग करेगी। फ्रेंड्स, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं इन शब्दों को समअप करते हुए सबसे बड़ी बात जो मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारी शायद हमारे देश की पहली पॉलिसी है, ऐसा मुझे तो कोई देश मालूम नहीं है कि जिसके पास एक बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसमें दिव्यांगजनों के कवरेज के लिए हर एक पहलू को छुआ गया है, हर एक डायमेंशन को छुआ गया है। मुझे गर्व होता है हमारे देश पर, हमारी सरकार पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर, जिन्होंने मिलकर इस देश को इंक्लूसिव पॉलिसी दी है। और ये पॉलिसी चाहती है कि समानता, समता, मानव जो डिग्निटी है उसको स्वीकार किया जाए, शिक्षण में भी समता और रिस्पेक्ट, आदर सम्मान को स्वीकार किया जाए। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात है, पॉलिसी तो बन जाती है, कानून तो बन जाते हैं, इसको कैसे अमल में लाया जाए, अभी कौन अमल में लाएगा चर्चा का विषय है। लेकिन मैं आप सभी को आह्वान देना चाहूंगा, इन्विटेशन, हम सभी को इसको अमल में लाना है, हम सभी को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप वाइस चांसलर हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप सभी का दायित्व हो जाता है कि जो हमारे देश ने जिस नीति को स्वीकार किया है, उस नीति को अमल में लाने के लिए हमारा जो भी रोल है उसको हम लोग अदा करें। यदि हम लोग हमारा रोल अदा करेंगे, एडवोकेसी में जाएंगे, गुड एग्जाम्पल में जाएंगे, गुड प्रैक्टिस में जाएंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे हर एक दिव्यांगजन को उचित शिक्षा,
उच्च स्थान पर उच्च समय पर मिलेगी, दायित्व आपका है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने मेरे विचारों को सुना, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का और सभी आयोजक का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं क्षमा चाहूँगा यदि कुछ मैंने ज़्यादा समय लिया हो, लेकिन ये पॉलिसी काफ़ी विशाल है, इसको समझाने के लिए कुछ समय तो लगता है। इन शब्दों के साथ जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस प्रकार दिव्यांगजनों हेतु उपयोगी है तथा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए जिससे समावेशी शिक्षा में इसके बेनिफिट्स और इसके यूजेस दिव्यांगजन कर समाज की मुख्य धारा में अपने को जोड़ सके और आत्मनिर्भर हो सके। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विद्या शाखा के शैक्षणिक परामर्शदाता श्री परवीन कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप विश्वविद्यालय की मुखिया, हम लोगों की संरक्षक तथा एक दिवसीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सीमा सिंह जी के जीवन वृत्त एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को साथ प्रणाम करते हुए मैं परवीन कुमार वर्मा आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर जिस महान विभूति के बारे में मुझे परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आपका कृतित्व ही आपका व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, आपका व्यक्तित्व ही समाज को दिशा निर्देशित करता है। ऐसे सहज सरल सुबोध एवं दार्शनिक मनोवैज्ञानिक हमारे विश्वविद्यालय में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही ये बताना चाहूंगा कि मैडम की जो प्राथमिक शिक्षा अच्छा हुई है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी से विश्वविद्यालय से होकर के बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्थापित महामना की बगिया में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने महामना के आदर्शों को आत्मसात करके समाज और शिक्षा को जो तालमेल बनाने का काम कर रही हैं, उन सब पे हम सभी बहुत उत्साहित होते हैं। हम सभी प्रेरित होते हैं कि आप जो इस प्रकार के कार्य हैं, हम सभी को हमेशा ऊर्जा देने का है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समाज के उन तमाम पिछड़े तबके के लोगों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को तथा समाज की मुख्य धारा से अलग लोगों को समाहित करने का जो बीड़ा उठाया है, आप तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लोगों को प्रोत्साहित करती रहती हैं कि ऐसे लोगों को भी हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। हम आपके विषय में कितना बोले, आज विद्यार्थी दिवस के अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस घर का मुखिया यदि पुरुष होता है तो घर भरा होता है, लेकिन जिस घर की मुखिया महिला होती है वह घर व्यवस्थित होता है। ऐसे ही हमारा परम सौभाग्य था कि आज आपका पदार्पण हमारे विश्वविद्यालय में हुआ। आपके पदार्पण से ही हमारा विश्वविद्यालय निरंतर व्यवस्थित की ओर अग्रसरित है। आपका जो सृजनात्मक विचार है, आपकी जो प्रेरणादायक उद्देश्य है, आपके विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, आप इसको समाज की ओर उन्नति की समाज में समाहित करके उन्नति की ओर अग्रसरित करना चाहती हैं। मैडम आपसे मैं हमेशा सीखने का प्रयत्न रहता हूँ। आपके जो विचार हैं हम सभी हमेशा से प्रमाणित करते रहते हैं। आपके बारे में इतना उतना ही कम है। मैं आप भी विद्यार्थी हूँ, आपके द्वारा सिखाए गए अनुभवों के, आपके द्वारा सिखाए गए विचारों से मैं इतना ओतप्रोत हूँ कि मैं आज अपने आप को इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज ये अद्भुत संयोग है, शायद मेरे पूर्व जन्मों में किए गए पुनीत कार्यों का प्रतिफल है कि आपके सामने आपके समक्ष मुझे आपके बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परवीन जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सीमा जी
सिंह जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे अपने अमूल्य शब्दों के द्वारा अध्यक्षीय संबोधन करने की कृपा करें। मैडम प्लीज। जी मैम। धन्यवाद। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर भूषण पुरानी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही। अच्छा, मुख्य वक्ता डॉक्टर भूषण पुरानी जी, श्रीमती स्मिता जसवंत जी, रमेश पांडे जी, नागेश पांडे जी और हमारे डायरेक्टर श्री पी के पांडे जी, वेबिनार के पूरा आयोजक मंडल, समस्त उपस्थित शिक्षक तथा प्रतिभागी अभिनंदन, प्रतिभागियों को बहुत बहुत अभिनंदन और नमन। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर भूषण पुनानी जी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने कुछ भी कोई भी बिंदु ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे मैं अलग से कुछ आपसे कह सकूं। और सोने पे सुहागा की बात अगर करें तो हमारे प्रिय रमेश पांडे जी ने भी इतने विस्तार से चीजों को बता दिया है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है और जो अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट उन्होंने हमें खबर दे दी है कि जो उन्होंने इंटरवेंशन सेंटर्स की बात की। तो मेरे लिए कुछ बहुत अधिक तो नहीं बचा है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगी। जैसा कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो नई शिक्षा नीति एक तरह से परिवर्तन लाने वाली और हमारी शिक्षा नीति में गिफ्टेड चाइल्ड के लिए भी अलग से जो बच्चे मेधावी हैं उनके बारे में भी बात की गई है कि किस प्रकार से उनकी प्रतिभा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, उसका पोषण और विकास करते हैं, जो 4.43 में आप देखेंगे वो भी मेंशन है। तो इस तरह से शिक्षा नीति एक पूरी तरह से जिन उद्देश्यों के लिए हम बात करें, जिन बिंदुओं पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से बात की है, वो है एक्सेस यानी पहुंच, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, इक्विटी, समता, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन सब के बारे में सभी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और ये इतना लंबा उस पर विचार विमर्श हुआ, 2,00,000 विचारों को समाहित किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर उस पर इतनी अधिक चर्चाएं हुई कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से कहते हैं ना दिल से इस नीति को बनाया गया है कि सब कुछ सबको यानी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं उस गुणवत्ता को लाने का इसमें पूरा प्रयास किया गया कि वो सारे बिंदु उसमें समाहित हो जाएं। बस जैसा कि डॉक्टर भूषण पुनानी जी और रमेश भी कह रहे थे कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है कि हम किस प्रकार से उन सारे बिंदुओं को, हमने इतनी सारी बातें अभी सुनी और समझी और मुख्य जो समस्या वो है कि हम चीजों को जान जाते हैं लेकिन उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है इसमें हम बहुत कार्य नहीं कर पाते। और यही चैलेंज है, यही चुनौती हमारे सामने है कि किस प्रकार से उन सारी चीजों को हम समाहित करें। सामान्य शिक्षकों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि वो जान सके, जो कि मेंशन भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि खाली एक विशेष शिक्षक ही हमें नहीं तैयार करना, हमें सामान्य शिक्षकों को भी कम से कम एक कुछ इतनी ट्रेनिंग तो दे देनी है ताकि वो उनकी विशेष आवश्यकताओं को समझ सके। और समय पड़ने पर जब इंक्लूजन की बात हो रही है तो जैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो मेंशन है कि अगर बच्चा स्पेशल स्कूल में पढ़ना चाहे तो वहां पढ़ सकता है, होम स्कूलिंग करना चाहे, होम बेस्ड एजुकेशन करना चाहे तो वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और अगर वो इंक्लूसिव सेटिंग में जाना चाहता है तो वहां भी प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी इतनी सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतनी सारी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी इंक्लूजन को बेस्ट ऑप्शन, फिलोसॉफिकली ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि हम सबको एक साथ यानी इंक्लूडिंग ऑल, वेलकमिंग ऑल, सबको एक साथ समाहित करना, सबका स्वागत करना और सबकी वो जो विशेषता है, मैं हमेशा इस बात को ध्यान लोगों का आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम हर व्यक्ति विशेष है, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है, हम चाहे उसको डिसेबिलिटी ग्रुप या वुमेन की बात कर रहे हैं या ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली जो लोग स्ट्रांग नहीं है उनकी बात
पे हम फोकस करते हैं। हाँ ये बात अलग है कि उनको वो चीजें, वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम भली प्रकार नहीं कर पाते, इसलिए हमें विशेष उनके लिए एक संदर्भ देखना पड़ता है या देना पड़ता है। लेकिन हम आपकी क्लास में, एक सामान्य कक्षा में भी जो विद्यार्थी उपस्थित होते हैं उसमें हर की एक अलग अलग आवश्यकता होती है। किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी को भाषाई कुछ, या किसी को समाज ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, और ये समावेशन की जब हम बात करेंगे तो ये सब कुछ उसमें निहित है। अगर हम शुरुआती दौर में चले, जैसे प्रारंभिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो ECCE की बात हो रही है, तो वो जब उसने कहा सबको शिक्षा, तो उस सब में हम सब आ जाएंगे, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो विमेन हो, या मतलब बालिका हो, या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हो, या ट्रांसजेंडर हो, मतलब हर प्रकार के लोगों का समावेशन की बात होती है। हालांकि अलग से चैप्टर बनाया गया जिसपे फोकस करने की कोशिश की गई कि उनमें क्या क्या, और अगर ECCE को प्रभावी बनाना है तो जैसा कि रमेश कह रहे थे कि इंटरवेंशन बहुत जब तक आइडेंटिफाई आप नहीं करेंगे तब तक आप, यानी वो हस्तक्षेप, वो बचपन से अगर हम उनकी विकलांगता या उसमें हस्तक्षेप करेंगे तभी हम उनको, एक बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर हमने उसको 2 साल बाद उसको ट्रेनिंग देने की कोशिश की और भाषा, तो उसका 2 साल हमने पीछे छोड़ दिया। तो अगर हमको जैसे ही पता लगे, जैसा कि पुरानी सर भी कह रहे थे कि मेडिकल जो इंटरवेंशन उसकी बहुत जरूरत है, शुरू से अगर मेडिकल केयर हो, बच्चे के डायग्नोसिस हो जाए कि वो किस प्रकार की डिसेबिलिटी से उसको समस्या है, तो वो उसी समय से ही हस्तक्षेप या इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंटरवेंशन बहुत आवश्यक है, और उसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को या समाज को अवेयर करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा जब होता है, अगर वो 2 साल तक नहीं बोल रहा है या कोई चीज अगर देख नहीं पा रहा है, तो हम लोग एज ए पेरेंट उसको अवॉइड करते हैं, सोचते ठीक हो जाएगा, बोलने लगेगा, ये तो कुछ बच्चे देर से चलते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, इस तरह की जो धारणाएं हैं जो भ्रम फैले हुए हैं, और हम उस चीज को स्वीकारिता की जो बात है, हम स्वीकार ही नहीं करते कि वो इस तरह की समस्या है, तो वो स्वीकारिता भी बहुत आवश्यक है। अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस करके फिर हम बच्चों को बेसिक फाउंडेशनल चीजें बताते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हमारा अंत भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सर ने बहुत सारी, सब दोनों ने मिलकर सारी बातें कर दी है, मैं बहुत ज्यादा बातों में नहीं जाऊंगी। और मुझे लगता है कि ये जो भारतीय संकेत भाषा के लिए स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया है वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मॉड्यूल वो बनाएंगे, तो उससे हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे बहुत प्रभावित। ऑटिज्म की बात करें, ऑटिस्टिक बच्चा हमारे घर में होता है और हम उसको समझ ही नहीं पाते, मैं पॉलिसी से थोड़ा इतर बात कर रही हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों घर में है, वो कम बोलता है, तो हम सोचते हैं ये बच्चा थोड़ा सा कम बोलने वाला बच्चा है, और हम फोकस नहीं करते उसके प्रॉब्लम्स को, आवश्यकताओं को। लेकिन अगर लगातार हम देख रहे हैं कि वो आंख नहीं मिला रहा है, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। हमको यानी एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी के मेंबर, एज ए टीचर, जो प्राइमरी लेवल पे आंगनबाड़ी की बात कर रहे थे सर, तो आंगनबाड़ी में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि वहीं से फोकस हो जाए और वो क्लैरिटी, जैसे गुजरात में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने उनको ट्रेन किया और विशेष रूप से बताया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके आधार पर हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट जहां पर उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है वहां पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा हम करें तो हमारा फोकस, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत अच्छी होगी तो अंत जरूर अच्छा होगा, तो हमारा फोकस उन आंगनबाड़ी या उस स्टेज पर ज्यादा होना चाहिए जहां से हम प्रॉपर डायग्नोसिस करके बच्चों को उनको विशेष प्रकार की सहायता दे सके। मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात भी की गई है, यानी कोई भी पहलू छोड़ नहीं गया इस पॉलिसी में। और अगर हम इम्प्लीमेंट करें, होम स्कूलिंग की बात की गई, टेक्निकल हेल्प की बात की गई, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई, फ्रीडम टू वर्क की बात की गई, इवन इवेल्युएशन के लिए भी इस पे पदक से संबंधित अगर हम विचार को देखें और उससे हम आइडिया लें कि हम इन बच्चों को क्या, हम VI बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे, या हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है तो हम उसको कुछ उसके लिए और सुविधाएं देंगे, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है तो क्या हम उसकी जो गलतियां कर रहे हैं, कहते हैं ना कि वो भाषाई त्रुटि है तो उसको न ध्यान दे के, कहते हैं ना कंटेंट को समझो कि क्या कहना चाहता है, ये मत जाओ कि के और से कहां लगा हुआ है। तो सारी चीजों पे जब फोकस होगा तो हम क्रमशः जो चीजें हैं यानी उनकी सीखने लर्निंग में मदद कर सकते हैं, उनको वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे जो जिनकी उनको आवश्यकता है वो अगर प्रोवाइड,
तो रियल इंक्लूजन होगा, और वो इंक्लूजन जो है वो ये बच्चे की, बच्चे में कमी है उसकी प्रॉब्लम नहीं, हमारी समस्या है कि हम उसकी उन सुविधाओं की पूर्ति किन संसाधनों के साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो कि रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश करने के बाद, बैरियर फ्री बिल्डिंग के बाद, वो सब हम कर सकते हैं, और उसमें हमें किसी का, किसी की विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं। तो अगर हम सब करें तो निश्चित रूप से हम जो भी पॉलिसीज में बातें कही गई हैं उसमें हम मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर भूषण पुनानी कह रहे थे कि हम लोगों को, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें किसी का कि गवर्नमेंट ये कहेगी तो हम करेंगे, या विद्यालय या यूनिवर्सिटी हमें कहेगी तब हम इस कार्य को करेंगे, हमको खुद एक तरह से सेंसिटाइज करना होगा, और हर व्यक्ति को इस ओर प्रयास करना होगा, तब हम इस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आप लोग पहले भी सब कुछ बातें सुन चुके हैं, मैं रमेश जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने सही व्यक्ति को प्रेस किया जो आज इस जगह पहुंच चुका है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर भूषण प्रणाली का तो मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें सीख सकी, हमारे सारे प्रतिभागीगण बहुत कुछ सीख सके, और हम आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की कड़ी में मैं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान एवं समर्पण के रूप में जाने जाने वाले सीआरसी लखनऊ के प्रवक्ता श्री नागेश पांडे जी को आमंत्रित करती हूं कि आप अपने अतिथियों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। नागेश जी। सादर धन्यवाद मैम। यह मेरा सुअवसर है कि आज उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान नई दिल्ली के अधीन कार्यरत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय एक बहुविशिष्ट बौद्धिक उत्कृष्टता से आलोकित और श्रेष्ठतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चिंतन को हमारे बीच रखते हुए आज का यह बौद्धिक आयोजन दोनों संस्थानों, हमारे विश्वविद्यालय तथा हमारी संस्था सीआरसी के द्वारा विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए पुनित किया गया। मैं धन्यवाद के क्रम में सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोफेसर सीमा सिंह मैम, कुलपति UPRTOU प्रयागराज का, जिनके आशीर्वचन से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया, जिनके कुशल निर्देशन और निरंतर मिलते हुए आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान की गई, तथा आज इस कार्यक्रम में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य आशीर्वचन तथा विशेष बिंदुओं से यह कार्यक्रम आह्लादित हुआ। मैं मैम को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा मैम को सादर प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद की कड़ी में हमारी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैम का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वचन से सीआरसी ने UPRTU के कोलैबोरेशन में इस कार्यक्रम को विधिवत ढंग से पूर्णता प्रदान की, तथा उनके इस कार्यक्रम में आशीर्वचन प्रदान करने हेतु मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे यशस्वी निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व में हम निरंतर बौद्धिक आयोजनों को अग्रमुख कर रहे हैं तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के साथ साथ विशेष शिक्षकों की क्षमता वर्धन, विशेष संस्थाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम को निरंतर करते हुए सीआरसी एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में दीप्तिमान तारे की तरह प्रदीप्त होते वाले विशेष शिक्षा के क्षेत्र के सबसे श्रेष्ठतम वक्ता के रूप में और सबसे श्रेष्ठतम मूर्ति हमारे बीच उपस्थित हुए डॉक्टर भूषण पुनानी सर का, अध्यक्ष ICEVI पश्चिम एशिया अहमदाबाद गुजरात का, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और हमारे बीच उपस्थित होकर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में विशेष रूप से जनजागरण किया तथा हमें एक रोड मैप प्रदान किया। मैं पुनः डॉक्टर भूषण पुरानी सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। मैं सादर प्रणाम करता हूं कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर PK पांडे सर का, प्रभारी शिक्षा विद्या शाखा UPRTU, जिनका निरंतर सहयोग बना रहा
और आशीर्वचन से यह कार्यक्रम अपनी रूपरेखा को प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर नीता मिश्रा मैम UPRTU प्रयागराज का, जिनके अथक प्रयास से हम इस संदर्भ को व्याप्त रूप में ला पाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आयोजन सचिव श्री परमेंद्र कुमार वर्मा जी का, जिन्होंने निरंतर दूरभाषिक संपर्क साध करके CRC लखनऊ और UPRTU के बीच में एक ब्रिज का काम करते हुए इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में विशेष सहयोग दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सह आयोजन सचिव श्री राजमणि पाल सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर और अपने भाव देकर इस कार्यक्रम को अग्रमुख करने में हमारी सहायता की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आयोजक मंडल CRC लखनऊ की तरफ से आदरणीय श्री जी शंकर गणेश जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड हमारे श्री विकास मिश्र जी, अनुसूचित ज्ञान एवं चलिष्णुता विशेषज्ञ श्रीमती सविता शुक्ला मैम, व्याख्याता ID को, जिनके कुशल निर्देशन के द्वारा ही इस परीक्षात्मक गतिविधि जो वर्तमान 5 जुलाई से चल रही है उसके अंतर्गत भी इस कार्यक्रम को रूपरेखित किया गया और रूपरेखा के साथ साथ प्रकारते देते हुए श्रेष्ठोत्त भावों की स्थापना की गई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे IT सेक्शन के हेड थे सुमित गिरी जी का, जिन्होंने न केवल परीक्षात्मक गतिविधियों को कुशलतापूर्वक आज पूर्ण किया अपितु साथ ही साथ हमारे इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भी कुशलतापूर्वक अपनी टीम के साथ अपना महत्वपूर्ण भाव दिया और यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता की तरफ पूर्ण हुआ। मैं पुनः सभी जितने भी हमारे श्रेष्ठजन, विद्वत्तजन, भावजन और जितने हमारे आयोजक जन रहे सभी को सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन सभी अपने श्रोतागणों का, जिनके सहयोग से, जिनके भाव से, प्रेम से और जिनके निरंतर मिलते हुए स्नेह से CRC लखनऊ निरंतर अपने ऊर्जावान विशिष्ट कार्यक्रमों को, विशेष शिक्षा के हितों को साधने हेतु आप सभी के बीच ला रहा है। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रोफेसर सीमा सिंह मैम का, मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर भूषण पुनानी सर का, और सभी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद। नागेश जी अपना वीडियो तो ऑन कर दीजिए एक बार। सॉरी मैम, मैं परीक्षा में लगा हूँ। मैं सुल्तानपुर पीढ़ी में हूँ। अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद नागेश जी। मैं माननीय कुलपति महोदय जी के निर्देशन से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ तथा आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करें। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चकल बंगा बिंद हिमाचल यमुना जल तब सुबनामी जागे तब धन्यवाद सबको, आप सबको धन्यवाद। जो भी बैठे रह गए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो ऑर्गेनाइजर भी बैठे हैं तो उनको भी बधाई। बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, धन्यवाद। बहुत सभी को प्रणाम, धन्यवाद, और सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह हिंदी में किया गया, जहां होता है मुझे समझ नहीं आता आंगनबाड़ी वर्कर्स कैसे समझती है, समझिए नहीं समझ। इसकी खूबी ये है कि हिंदी में किया और सभी जगह अंग्रेजी चलती है, ये पहला देखा है जहाँ पर हिंदी चलती है। बधाई देती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को।
हालांकि मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है सारी उम्र,